नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है आपका दिन राशि के अनुसार, यानी कि मेष से मीन राशि तक हम बताएंगे कि कैसा रहेगा सबके लिए दिन आज का। और साथ ही हमारे जुड़ेंगे आचार्य पी खुराना जी, जो कि बताएंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका दिन। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की और देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा दिन। प्रॉपर्टी या फाइनेंस संबंधित कोई रुका हुआ काम है तो उससे संबंधित विचार विमर्श अच्छे से कर लें, क्योंकि आज समय बहुत अनुकूल है और आपके पक्ष में ही वो बात आएगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर क्रोधित हो जाना आपके बनते कार्यों में विघ्न डालेगा और इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 5। आपने क्या उपाय करना है आज के दिन? दूध में जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, यानी कि आप भगवान शिव का अभिषेक करिए दूध में जल मिलाकर। बात करते हैं वृषभ राशि की और देखते हैं कैसा रहेगा उनके लिए दिन। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है आज के दिन। आपके निजी काम भी पूरे होते जाएंगे। सामाजिक संस्था में आपका विशेष योगदान आपको समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति करवाएगा आज के दिन। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की बजाय स्वयं ही समस्या को सुलझाएं। भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 8। आपने क्या उपाय करना है? आज के दिन आपने नमक नहीं खाना है। बात करते हैं मिथुन राशि की और देखते हैं कैसा रहेगा इनके लिए दिन। कितना शुभ दिन रहने वाला है इनके लिए। आज दिन बहुत ही व्यस्त व्यतीत होगा आपका। आपका पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत तथा आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा और इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है आज के दिन, यानी क्या परेशानी हो सकती है? किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को सहज और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। आज का भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 3। आज आपने क्या उपाय करना है? आज आपने सफेद वस्त्र धारण करना है। बात करते हैं कर्क राशि की और देखते हैं कितना शुभ रहने वाला है इनके लिए दिन। सरकारी मामला अटका हुआ है तो उस पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी। ज्यादातर वक्त आपका आज धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा, जिससे आपको मन में शांति और सुकून मिलेगा। क्या प्रॉब्लम हो सकती है आज के दिन? अपनी व्यवसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, कोई विफल करने का प्रयास कर सकता है। भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 2। आज आपने क्या उपाय करना है? पीला वस्त्र आज आपने पहनना है। बात करते हैं सिंह राशि की और देखते हैं कैसा रहेगा इनका दिन। आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा उनको सफलता भी मिलेगी। आज का दिन क्या परेशानी हो सकती है? आपके महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करके दूसरे के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे। अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आप दूसरों की चीजों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से अपना नुकसान आप कर बैठेंगे और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 5। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है? आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आज गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाइए। कन्या राशि, आइए देखते हैं कि कैसा रहेगा इनके लिए दिन। आज फाइनेंस संबंधी मामलों में विशेष उपलब्धि मिलेगी। शुभ समाचार मिलने से दिन आपका खुशनुमा रहेगा। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? जमीन संबंधित विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय है। भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 4। आपने क्या उपाय करना है? आज के दिन आपने गाय को हरी घास खिलानी है। बात करते हैं तुला राशि की और देखते हैं क्या शुभ लेकर आ रहा है इनके लिए दिन। स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाएं और अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर ही ध्यान दें। प्रॉपर्टी या कोई अटके हुए मामले आज हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। काफी हद तक आप सफल भी रहेंगे आज। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि पता चलने से कुछ चिंता रह सकती है आपको आज, परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 7।
आज आपने क्या उपाय करना है, आज के दिन आपने मीठा भोजन करना है। वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना पॉजिटिव दिन है ये। आज के दिन प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम दें तो ज्यादा सफल रहेंगे। भावुकता के बजाय दिमाग से काम लेना बेहतर रहेगा। क्या परेशानी हो सकती है वृश्चिक राशि वालों को, किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, अन्यथा किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 2। आज आपने क्या उपाय करना है, काले कुत्ते को आपने आज रोटी खिलानी है। ऐसा करने से जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। देखते हैं कि धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद समाप्त हो जाएगा आज। क्या प्रॉब्लम आ सकती है आज के दिन, सरकारी मामलों में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। घर में संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि को लेकर घर में कुछ तनाव हो सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से सुलझाएं। आप आराम से बैठ के प्यार से समझाएं। भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 1। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है, आज के दिन आपने हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। बात करते हैं मकर राशि की। आज कुछ खास और प्रभावशाली लोगों के बीच बेहतरीन समय आपका व्यतीत होगा। अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आपकी भी प्रतिष्ठा में आज वृद्धि होगी। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन, दिन के मध्य के बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती हैं। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है आज के दिन। भाग्यशाली रंग है क्रीम और भाग्यशाली अंक है 3। आपने क्या उपाय करना है, आज आपने प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना है कम से कम 21 बार। बात करते हैं कुंभ राशि की और देखते हैं कि कैसा रहेगा इनके लिए आज का दिन। खर्चों की स्थिति रहेगी, परंतु साथ ही उचित इनकम होने से व्यवस्था बेहतरीन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन स्थिति बनेगी, जिससे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपके कोई इम्पोर्टेंट अनुबंध आपको आज हासिल हो सकता है। क्या परेशानी आ सकती है, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, ना ही व्यर्थ की गतिविधियों में उलझें। पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद होने जैसी स्थिति आज बन रही है। भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 9। आपने क्या उपाय करना है, सोने का कोई आभूषण अंगूठी या कड़ा आज आपने धारण करना है। अपने घर की पूर्वी दिशा में सुनहरी क्रिस्टल बॉल भी आप रख सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की और देखते हैं कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी तथा पूरा दिन सुकून भरा व्यतीत होगा। कोई जमीन संबंधित रुका हुआ मामला भी हल आज हो सकता है आपका। क्या परेशानी हो सकती है आज के दिन, आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु अनावश्यक खर्चों पर रोक भी लगाना बहुत जरूरी है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें। भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 2। आज आपने क्या उपाय करना है, चांदी के गिलास में आज आपने पानी पीना है और कोशिश करें अगर आप रोज पी सकते हैं तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलते हैं आचार्य पी खुराना जी के पास और जानते हैं कि अंक शास्त्र के हिसाब से कैसा रहेगा आपका दिन आज। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मूलांक यानी हर डेट ऑफ बर्थ का एक खास अंक है, उस अंक का खास ग्रह है, उसका एक रंग है, उसकी दिशा है और एक मंत्र है जो बना देता है आपको शक्तिशाली, विद्वान, धैर्यवान और भाग्यवान। उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और आज लकी कलर कौन सा कमाल करेगा, लकी नंबर कौन सा कमाल करेगा और आज की सावधानी क्या है और खास उपाय क्या है जो आपको बना सकता है तकदीर का बादशाह एवं आपको राहत मिलेगी उलझनों से। इसके साथ आपके ईमेल का जवाब देंगे और ज्ञान सूत्र में आपको बताएंगे कि आपके शरीर की बनावट आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालती है। प्रणाम की आंख में बताएंगे कि आपका एक मैजिक नंबर, एक मंत्र जो आपके हर संकट का समाधान करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। प्रणाम की शुरुआत करते मूलांक 1 से, जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है
तो आपका ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है, जो आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसे आप चाहते हैं, पिता है, माता है, बॉस है या आपके स्टाफ का व्यक्ति है, उनके साथ समय बिताने का अपना अवसर मिलेगा। इन क्षणों को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। लकी कलर व्हाइट एंड लकी नंबर 3। एंड आज का उपाय क्या कहता है? माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावधानी क्या है? वाहन का प्रयोग ध्यान से करना है, अपना हो या पराया। मुलाक 2 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने के 2, 11 या 20, 29 को पैदा हुए हैं, तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। आप एक ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके दिमाग से निकल गए थे, उन कार्यों को आज कीजिए। जो लगता था आप नहीं कर सकते, सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, समय बिल्कुल अनुकूल है। लकी कलर क्रीम एंड लकी नंबर 9। और आज का उपाय क्या कहता है? शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। सावधानी क्या है? लेन देन में जब धन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुलाक 3 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने के 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, तो आप बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हैं। और बृहस्पति राजयोग का निर्माण करता है, आपके करियर को आगे बढ़ाता है। तो करियर संबंधी जितनी परेशानियां आपको आ रही हैं, आज समाप्त होगी। परिवार में सुख शांति समृद्धि का माहौल होगा। लकी कलर ब्राउन एंड लकी नंबर 5। और आज का उपाय क्या कहता है? बेसन की बर्फी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। सावधानी क्या है? काम और आराम का संतुलन आपने बनाकर रखना है। मुलाक 4 की बात करते हैं। दिन का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 33 को हुआ है, तो आप राहु ग्रह से प्रभावित हैं। नौकरी में नई उपलब्धियां, नौकरी में प्रमोशन, या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो नौकरी चाहते हैं, समय उत्तम है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा, उसको स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। कुंडली मिला लीजिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 2। और आज का उपाय क्या कहता है? एक मुट्ठी जौ किसी वीरानी जगह पर रख दीजिएगा। सावधानी क्या है? दूसरों के झगड़े से आपने दूर रहना है, वरना आ बैल मुझे मार, ये कहावत आपको पूरी हो जानी है। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्रा, और मैं हूं आचार्य पी खुराना। आपके शरीर की बनावट आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है, जो बताएंगे हम ज्ञान सूत्र में, इसका कीजिए इंतजार। और प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे आज का मैजिक नंबर, मैजिक मंत्र क्या है, आपके यहाँ संकट का समाधान करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। बात करते हैं मुलाक 5 की। जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है, तो आप बुध ग्रह से प्रभावित है। आज का दिन क्या कहता है? बुध का संबंध धन के साथ है। धन आपके पास आना ही आना है, उसका चाहे कारण आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपकी प्रमोशन हो गई, आपका मित्र आपको पैसे दे गया, बैंक वाले पैसे दे गए, या रुका हुआ धन मिल गया। रुके हुए कार्य जो भी अब तक थे वो पूर्ण होंगे। लकी कलर ग्रीन एंड लकी नंबर 7। वो आज का उपाय क्या कहता है? शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। सावधानी क्या है? अपनी करनी और कथनी में अंतर मत रखिएगा। बातों के पकवान से धीरा नहीं कोई। मुलाक 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है, तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है। मन चाह जीवन साथी की तमन्ना, ख्वाहिश जो आपके दिमाग में एक छवि बना रखी है ना, कि मुझे तो ऐसी महबूबा या महबूब चाहिए, तेरी तलाश में मेरा वजूद ही ना रहा। अरे वो तेरी आपकी तलाश आज खत्म हो जानी है और आपकी ख्वाहिश पूर्ण होगी। इसके साथ आज आप कहीं ना कहीं, और आपका लकी जो रेड है, लकी कलर रेड है, लकी नंबर 15, और आज आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आज का उपाय क्या कहता है? मां समुद्र स्थान पर चढ़ाएं। सावधानी क्या है? बिना कारण के तनाव अपने माथे पे मत लीजिएगा। मुलाक 7 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, तो आप केतु ग्रह से प्रभावित है। केतु कहता है यात्रा कर, केतु कहता है गतिशील हो,
तो कारोबारी यात्रा आपकी सफल होगी, आमदनी के नए सूत्र आपको प्राप्त होंगे। लकी कलर इज ग्रे एंड लकी नंबर इज 6। और आज का उपाय क्या कहता है, धर्म स्थान के पानी थोड़ा सा लेकर स्नान के पानी में मिक्स करके स्नान कीजिएगा, स्वस्थ ठीक होगा। सावधानी क्या है, आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, ना जाने क्या होगा पल के चौथे भाव। मूलांक 8 की बात करती है, जिनका जन्म किसी महीने की 8 तारा या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित है। आज आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, अगर स्टूडेंट है तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, अगर आप कारोबारी हैं तो आप उस बात को फोकस करेंगे जिसकी आपको जरूरत है। पूंजी निवेश के लिए आपका समय अत्युत्तम है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। लकी कलर्स मैरून एंड लकी नंबर 1। और आज का उपाय क्या कहता है, सुखमणि साहब का पाठ करो या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो या ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। सावधानी क्या है, नौकरी में कहीं ना कहीं बदलाव आने की स्थिति बनेगी, मगर फैसला सोच समझ के कीजिएगा। बड़ा की बात करते हैं, दिन का जन्म किसी महीने की 9/18/27 को हुआ है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। आज पार्टनरशिप करने के लिए आपका एक नया विचार, एक नई योजना बना सकते हैं, समय बिल्कुल अनुकूल है। लकी कलर सैफ्रन, लकी नंबर 25। और आज का उपाय क्या कहता है, घर के मुख्य द्वार पर आते से स्वास्थ्य बनाए। सावधानी क्या है, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये था आज का भविष्य फल आपके मूलांक के अनुसार। बात करते हैं ईमेल की, लेकिन बात याद करवा रहा हूं, मैजिक नंबर और मैजिक मंत्र को आपने नहीं भूलना, जो आपके प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, जो आपके हर संकट का समाधान करेगा और मनोकामना पूर्ण करेगा। पानीपत से ईमेल है, मिस्टर बी के गुप्ता लिखते हैं, 23rd of September 1973। कहते हैं जी, हमारा परिवार में अक्सर झगड़ा रहता है, उपाय बताइए। गुप्ता साहब, अब बात यह है कि आपने अपने घर का नंबर नहीं बताया, क्योंकि आपके घर में वास्तु दोष है। निश्चित तौर के ऊपर आपके घर का नंबर का टोटल जो है 8, 17 या 26 होगा, या 4, 13, 22 या 31 होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपको सूट नहीं करते, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि आपको अपनी जो शरीक हयात है, आपके जीवन साथी हैं, उनका नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जस्ट टू सी दी कंपैटिबिलिटी, ये समस्या कहां पे है। एनीवे, आपने हमें याद किया गुप्ता साहब, आपने एस्ट्रो मंत्र में अपना प्रश्न भेजा, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, हम तो आपके उसके आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उपाय बता रहे हैं। सुनिए, जितने घर के लोग हैं उतने घर के व्यक्ति दिया ले, अगर 8 व्यक्ति हैं तो 8 दिए आपने लेने शनिवार को, एक एक दिया आपने तुलसी के पास या धर्म स्थान पर जला देना है। ये क्रिया आपने 8 शनिवार लगातार करते रहनी है, आपसे वादा करता हूं आपकी समस्या का समाधान होगा। एस्ट्रो मंत्र के साथ जुड़े रहिए, गुप्ता साहब की तरह आप भी किसी परेशानी में हैं या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आती, यकीन करें या ना करें, प्रश्न है, बच्चे का है, संतान का है, माता का है, पिता का है, विवाह का है, मोहब्बत का है या शादी का है, तो कोई बात नहीं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के ईमेल आईडी पर आप हमें ईमेल कीजिए अपना प्रश्न, हमें इंतजार रहेगा आपका। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं ज्ञान सूत्र की। अब देखिए, हर इंसान की बनावट अलग अलग है, आपके शरीर की बनावट आपके जीवन के ऊपर प्रभाव क्या डालती है। समुद्रिक शास्त्र अनुसार शरीर की खास बनावट आपके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है, एक मिरर है। अगर आपकी जीभ नाक को छू लेती है तो आप समझिए जीवन में नेम एंड फेम की प्राप्ति आपको अवश्य होगी।
35 और 40 वर्ष की आयु में विशेष उपलब्धि आपको होगी। सीधे खड़े होने पर और आपके हाथ आपके पांव तक चले जाए, दोबारा सुनिए, सीधे खड़े हो जाइए और सीधे अपने हाथ पांव तक जाओ, अगर सीधे आपको बगा चुके, सीधे अगर आपको टच हो जाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होगी। आपकी अधिकारियों में, समाज के लोगों से जान पहचान होगी और कहीं ना कहीं आपको सम्मानित किया जाएगा। एक बात और, किसी व्यक्ति के अगर मुंह में 32 दांत हो तो ऐसा व्यक्ति अपना सारा जीवन आनंदमय होता है, भौतिक सुखों की प्राप्त होती है। यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी कंफर्ट ऑफ लाइफ। और जो व्यक्ति पलके बार बार चमकाते हैं, आप देखिए आसपास देखिए, पलके बार बार चमकाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर आप भरोसा कभी मत करिए, ना आप करेंगे और वो व्यक्ति भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर पाम की छोटी उंगली जमीन को नहीं छूती तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धोखा मिलता है। पिता छोड़ जाते हैं, पत्नी छोड़ जाती है, पति छोड़ जाता है, मित्र छोड़ जाते हैं। अरे भाई, हम तो एस्ट्रो मंत्र के जरिए आपको ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया अगर आपको होगी तो हमें साझा कीजिए। जरूरत के वक्त मित्र साथ छोड़ जाते हैं, उसमें आपने एक दो बातों का ध्यान रखना है। टोटल पहली बात, अपने दिल की बात किसी को कभी मत बताइए। अब एक लक्षण हो रहा है, हाथ में अगर 6 उंगलियां हो, 6-5 में 6 हो, सौभाग्यशाली का सूचक है, लेकिन स्त्री पक्ष से मतभेद होगा। एक बहुत बड़े एक्टर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी लव मैरिज की, बड़े सक्सेसफुल हीरो हैं, इतने सक्सेसफुल है कि उन्होंने सारी ख्याति समझो कि अपने प्राप्त कर लिए, लेकिन तो भी लव मैरिज होने के बावजूद भी स्त्री पक्ष से उनको मतभेद हो गया। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ा पद मान सम्मान प्राप्त करते हैं और हर काम ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, लेकिन तो भी दूसरों में कमियां निकालना इनकी आदत।